राखी, मैं 18 की होने वाली हूँ और मेरा कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। बहुत हो गई ये सिंगल लाइफ, पर इस साल मैं एक बॉयफ्रेंड बना के रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ हाँ मिमी, बना लेना बना लेना। पर एक बात बोलूँ, अभी तक एक भी लड़के से बात करी है? हाँ यार, आज तक तो मैंने एक भी लड़के से बात नहीं किया, तो बॉयफ्रेंड पटाऊंगी कैसे? मतलब मेरा बॉयफ्रेंड इस साल भी नहीं होने वाला। रो मत निमिता, मैं हूं ना तेरी बेस्ट फ्रेंड, इस साल तुझे मैं एक बॉयफ्रेंड तो पटा के दूंगी। तू और मुझे बॉयफ्रेंड पटा के देगी? तेरा खुद का बॉयफ्रेंड है? अरे मुझे बॉयफ्रेंड में इंटरेस्ट नहीं है ना, पर तेरे लिए देखना मैं तुझे बॉयफ्रेंड पटा के दूंगी। वो देख राहुल, बोल मिमिता, लड़का अच्छा है ना? ठीक ठाक ही है, पर उतना भी अच्छा नहीं है। अबे ओए, भिखारी के लिए भी जितनी भी मिले ठीक, लड़का अच्छा ही है। रुक, मैं अभी जाके बात करके आती हूँ, ठीक है? ऑप्शन ही नहीं है तो क्या कर सकती हूँ, ठीक ठाक ही है ये लड़का। हाय राहुल। हाय राखी। वहाँ देखो मिमिता बैठी है। हाँ देखा, पर क्या? तुम्हें तो पता ही है राहुल, मैं और मिमिता बेस्ट फ्रेंड है। बस मुझे नहीं, सारा कॉलेज को पता है। हाँ वो मिमिता है ना, उसने ही मुझे यहाँ भेजा है। वो मैं ये कहने आई थी कि मिमिता है ना तुम्हें फर्स्ट ईयर से लाइक करती है, मतलब प्यार करती है। तब से जब से तुम पहली बार कॉलेज आए थे ना, तुम्हें देखते उसे प्यार हो गया था। लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट भी होता है क्या? हाँ होता है ना। देखो राहुल, मिमिता सच में बहुत अच्छी लड़की है। अभी तो वो सेकेंड ईयर में पढ़ रही है, पर उसके साथ साथ वो सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग बहुत अच्छा करती है। ये राखी राहुल से बात क्या कर रही है? मुझे ना राखी, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग करने वाली लड़की है ना, सरासर भी पसंद नहीं। और अपने दोस्त को बोल देना कि मैं उसे रिजेक्ट कर दिया हूँ। बाय बाय। ये क्या, राहुल ने तो मिमिता को रिजेक्ट कर दिया। अगर ये बात उसे पता चली तो बेचारी का मन टूट जाएगा। क्या करूँ क्या करूँ। राखी बैठ। क्या कहा उसने, तूने मेरी तारीफ तो की है ना? हाँ मिमिता, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ की। तो बोल राहुल ने क्या बोला? राहुल ने क्या बोला, वो मैं जस्ट तेरे बारे में ऐसी कैजुअल बात कर रही थी, पता है उसने क्या बोला? क्या? उसने कहा कि वो तुझे लाइक करता है पहले दिन से, लव एट फर्स्ट साइट। और तो और उसने ये भी कहा कि तेरी जो ये पैशन है ना सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, उसे बहुत पसंद है। राहुल ने मेरे बारे में ऐसा बोला? हाँ मिमिता, हाँ ऐसा ही बोला। एक साल से वो तुम्हें पटाने की कोशिश कर रहा है। एक साल से कोई मुझसे प्यार कर रहा है और मुझे पता ही नहीं, मैं भी ना। अब तो पता चल गया है ना, मैं बहुत खुश हूँ। सॉरी मिमिता, तुझे बुरा ना लगे इसलिए झूठ बोलना पड़ा। क्या सोच रही है? कुछ नहीं, तेरे बारे में सोच रही थी। अच्छा। जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। क्यों, क्या हुआ? उधर देख। तुझे पता है राखी, राहुल यहाँ पे सबसे बैठा हुआ है। मैं सोच रही थी कि बात करने चली जाऊँ। नहीं नहीं, तू बात करने नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि तू बात करने जाएगी तो वो शर्मा जाएगा ना। तू बैठ, बात करने मैं जाऊंगी। ठीक है, तू जल्दी जा और राहुल से बात करके। और मुझे भी राहुल से बात करा। हाँ हाँ मिमिता, तेरी बात करवाऊंगी ना। तू बैठ, मैं भी बात करके आती हूँ। हाँ। राहुल, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? अगर कल जैसी बकवास बात करनी है तो मत बैठ, कोई दूसरा बात अगर बोलना है तो बैठ सकता है। हाँ इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है तो बैठो। वो मैं कहने आई थी कि राहुल, कल मैंने तुम्हें जो बोला ना कि मिमिता तुम्हें लाइक करती है। फिर से बकवास करने लग गई। राहुल मेरी पूरी बात तो सुनो। बोलो। देखो राहुल, थोड़ा धीरे बोलो, मिमिता को सुनाई नहीं देनी चाहिए हमारी बातें। वो दरअसल बात ये है कि मिमिता ना अब बस कुछ दिन की मेहमान है,
जो बोलना है सब सब बोलो। धीरे से बात करो, धीरे से। मिमिता को कैंसर है। हाँ राहुल, मिमिता को कैंसर है। मिमिता बस कुछ दिन की मेहमान है। मिमिता तुमसे प्यार करती है, इसलिए मैं तुम्हें ये बात बताने आई थी, ताकि तुम ये बात जान के मिमिता से बस प्यार का नाटक करो, बस कुछ दिनों के लिए। मैं बस मेरी दोस्त की ख्वाहिश पूरा करने आई थी, बेचारी मर रही है वो। इसे देखकर कोई बोल सकता है कि इसे कैंसर है और बस कुछ ही दिनों की मेहमान है, पर ये सच है, मिमिता मरने वाली है। प्लीज राहुल, तुम कुछ दिनों के लिए मिमिता से प्यार का नाटक करो। ठीक है रो मत। एक्चुअली मुझे सच में पता नहीं था मिमिता के बारे में। ठीक है राखी, मैं तुम्हारे बात मानने के लिए तैयार। थैंक यू सो मच राहुल, तुम बहुत अच्छे हो। एक मरने वाले इंसान की तुम इच्छा पूरा कर रहे हो। देखना, तुम मरोगे ना तो तुम स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में। ठीक है, तो तुम जाके मिमिता को बोल दो कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ। मैं क्यों बोलूंगी, तुम बोलोगे ना। तुम जाओ, तुम उसे बोलना कि तुम उससे प्यार करते हो। और हाँ, मरने वाली है बेचारी, मीठी मीठी बातें करना। ठीक है, मैं ही जाता हूँ, बात करता हूँ। राहुल, पता है ना, मीठी मीठी बातें करनी। पता है, मीठी मीठी बातें। और हाँ रुको, उसे बताना मत कि वो मरने वाली है, डॉक्टर ने मना किया है। हार्ट अटैक है बेचारी को। एक इंसान को इतना बीमारी हो सकता है, आज पता चला। जाओ, मीठी मीठी बातें करके आओ। जो भी हो रागी, झूठ बोलने में ना मैं उस्ताद हूँ। वैसे भी मेरे माँ से सीखा है ये टैलेंट। मैं तो बैठू। राहुल ने आज मुझे मिलने बुलाया। ये राहुल किस लड़की के साथ है यहाँ पर? निमिता, मुझे पता नहीं राखी ने तुम्हें क्या बोला है, पर सच बात बोलूँ तो I love you, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी राहुल तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, I love you so much। आज मेरी ख्वाहिश पूरी हुई। राहुल किसी और लड़के के साथ प्यार करते हैं, इसका मतलब वो मेरे साथ चीट कर रहे हैं। तो ये क्या था? तेरे दिल से ना कभी सारे राज अपने। राहुल, आज हमारे रिलेशनशिप को पूरे 3 साल हो रहे हैं। 3 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला ना। हाँ फिर पता ही नहीं चला। और इसी खुशी में मैं आज तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या? प्रोफेशनली तो पता नहीं हमारा एंगेजमेंट कब होगा, लेकिन आज से हम दोनों फियांसे हुए। बेचारी को पता ही नहीं है कि ये मरने वाली है। मैं तुझको दे दूंगी मेरी जान, तूने मुझको पागल है किया मेरा। आज तो मैं राहुल से पूछ के रहूंगी कि वो लड़की थी कौन और मुझे धोखा क्यों दे रहा है। वाह राखी, तूने ऐसे राहुल को क्या बोला जो कि वो एक ही बारी में पट गया मुझसे। निमिता, तुझे क्या पता मैंने राहुल को क्या क्या नहीं बोला। मतलब? मतलब कुछ नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं, राहुल तो ऐसे ही पट गया। हाँ, प्यार तो हो गए, बस अब जल्दी जल्दी राहुल और मेरा शादी हो जाए। क्या शादी? हाँ, प्यार करती हूँ तो शादी नहीं करूँगी। ये ले, अब मिमिता शादी करेगी, ये शादी होगी कैसे? राहुल तो मिमिता, ये शादी बारे कुछ ज्यादा ही नहीं सोच लिया तूने? मैंने तो पहले ही सोच लिया था, जिससे मैं प्यार करूंगी उसी से शादी भी करूंगी। और मैं राहुल से शादी करना चाहती हूँ, और मैं श्योर हूँ राहुल भी मुझसे शादी करना चाहता है, क्योंकि राहुल मुझसे बहुत प्यार करता है। अब तुझे कैसे बताऊँ, राहुल तो तुझसे प्यार ही नहीं करता। हाँ, राहुल तुझसे बहुत प्यार करता है। हाँ, मतलब राहुल इस लड़की से शादी करने वाला है और वो मेरे जज्बातों से खेल रहा था। मैं तुझको दे दूँगी
राखी, मैं राहुल से शादी करूंगी और तू राहुल को शादी के लिए मनाएगी और मुझे पता है ये तो कर पाएगी। प्यार के लिए इतना झूठ बोलना पड़ा, अब शादी के लिए क्या करूं? क्या हुआ? कुछ नहीं, शादी करके चली जाएगी तू। सकती नहीं सारी बातें मैं सुनूंगी सोनिया तेरे दिल से। हेलो देवा, कभी खेलू देवा, राहुल मुझसे चीट कर रहा है, वो मुझे धोखा दे रहा है, ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? साला उस पे तो मुझे पहले से ही शक था। काश उस दिन मैं उससे पहले जाता होता तो सिमी आज मेरा गर्लफ्रेंड होती। बहुत हो गया, आज मैं सिमी को बता दूंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। सिमी, I love you. I love you too, राहुल। सच में मैं आज बहुत खुश हूँ कि हम दोनों एक साथ हुए। घबराने वाली कोई बात नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस के कारण बेहोश हो गई थी। इतना क्या सोचती हो, ज्यादा सोच मत, दवाई लिख दी है, टाइम टू टाइम ले लेना। डॉक्टर, घबराने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगी। ठीक है तो हम चलते हैं। थोड़ा इधर टर्न करो, नाइस टैटू, थैंक यू। हेलो, हाँ हाँ, हमारे यहाँ हर तरह की सर्जरी होती है, बोलो ना तुम्हें कौन सा यूनिट बननी है। अरे मैं मजाक कर रही थी, सर्जरी की सारी तैयारी हो चुकी है, तुम कभी भी आ सकती हो। ठीक है, रखती हूँ। डॉक्टर, यहाँ पे सर्जरी भी होती है? हाँ होता है। ठीक है मैडम, तो हम चलते हैं। हाँ। डॉक्टर, यहाँ पे सर्जरी भी होती है? हाँ होता है। सर्जरी, अब यही एक ऑप्शन है मेरे पास, मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। पर राखी नहीं दिखाई दे रहा है। राखी, वो देखो राखी। दूर रहो मेरे राहुल से। राखी, ये तो क्या मजाक कर रही है, मैं भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं भी मजाक नहीं कर रही, राहुल से दूर रहो, राहुल मेरा है। चलो राहुल, राखी चलो। ये राखी को हो क्या गया है? राहुल, राहुल। राखी तुम पागल हो गए हो क्या? तुम ये सब क्या बोल रहे हो? राहुल सिर्फ मीडिया एंड ऑल, तुमने तो खुद बोला था ना कि मिमी के साथ मुझे प्यार। राहुल, तू चली जा यहाँ से। राखी, तू पागल हो गई है, और मैं कहीं नहीं जाने वाली, अगर मैं जाऊंगी तो राहुल को लेकर जाऊंगी। चलो राहुल, ये राखी पागल हो गई है। ये राखी को हो क्या गया है? पता नहीं राहुल, राखी को क्या हो गया है। कोई बात नहीं, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे कल बात कर लूंगी, तुम चलो। ठीक है।